हाय फ्रेंड्स, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नवभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 11 को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शाखे के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो शाखा हुए थे, जो तीन शाखा विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, उस समय यानी कि तत्कालीन शासक रावल रत्न सिंह थे, और उनको पराजित करके जो पद्मिनी रानी थी उसने अब जौहर किया था। तो ऐसी स्थिति में वो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा कहलाया। दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और तत्कालीन शासक अल्पवयस्क विक्रमादित्य हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में रानी करमवती ने जौहर किया था, तो वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इतिहास में दूसरा शाखा के नाम से जाना जाता है। तीसरा शाखा जिसका हम अध्ययन आज करेंगे वो था तृतीय शाखा, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दो जो शाखे हुए थे उनकी हम विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। तीसरा जो शाखा था जो 1567 ईस्वी में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और तत्कालीन जो शासक थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वो थे उदय सिंह। जब इन्होंने मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया तो ऐसी स्थिति में इनके जो सेनापति थे जयमल, यानी कि उदय सिंह के सेनापति थे जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़ और एक थे कल्ला राठौड़। ये तीनों ही वीर योद्धा 1567 में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, यानी युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और वीर गति को प्राप्त होने के कारण यहाँ की जो राजपूत वीरांगनाएं थीं, उन्होंने राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था और जो जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़, कल्ला राठौड़ थे वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरे शाखा के नाम से जाना जाता है। एक इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये थी कि मुगल बादशाह अकबर ने तीनों ही योद्धाओं की वीरता को जाना, इनकी जो वीरता पर खुश होकर इन्होंने क्या किया था कि जयमल और पत्ता दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी और आगरा के किले में लगवा दी थी, क्योंकि इनकी जो युद्ध कुशलता थी वो बहुत ही प्रवीण थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने दोनों ही वीरों की गजारूढ़ मूर्तियां कहां लगवा दी थी, आगरा के किले में, यानी कि जयमल और
हत्ता की गजारूढ़। गजारूढ़ से तात्पर्य होता है यानी हाथी पर विराजमान मूर्ति। गजारूढ़ मूर्तियां आगरे के किले में विराजमान की थी। कहने का मतलब इनकी कार्य यानी युद्ध कला को से खुश होकर यानी युद्ध कला से खुश होकर इनकी से तब अकबर ने आगरे के किले पर जयमा फत्ता दोनों की ही गजारूढ़ मूर्तियां लगवा दी थी। नेक्स्ट है भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य। हनुमान पोल के मध्य यानी कि चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ हत्ता राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। कहने का मतलब भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ फत्ता राठौड़ और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा जिसमें राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था और राजपूत वीरों ने वीरगति प्राप्त करी थी। तो ऐसी स्थिति में जो शाखा हुआ था वो तीसरा शाखा के नाम से जाना गया जो कि 1567 ईस्वी में हुआ था यानी कि 1537 और 1567 तीनों ही शाखा विश्व प्रसिद्ध शाखा है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के माने जाते हैं। नेक्स्ट है अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस स्थिति में विजय उपलक्ष में अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिज्राबाद रखा था जिसको 1311 ईस्वी में मालदेव सोनागरा जिसको मूछाला मालदेव के नाम से जाना जाता है उसको सौंप दिया गया था। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात बनती है यानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिज्राबाद रख दिया था जिसे 1311 ईस्वी में मालदेव
सोनगरा, जिसको मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था। कहने का मतलब इसकी जो महत्वपूर्ण बात यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कि 1303 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शाक्य के समय 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय के उपलक्ष में अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम खिज्राबाद रख दिया, जिसे 1311 ईस्वी में मालदेव सोनगर ईस्वी में मालदेव सोनग्राम, यानी कि मूछाला मालदेव के नाम से जिसको जाना जाता था, उसको सौंप दिया था। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, वो यह है कि उसमें एक मंदिर था। इस दुर्ग में कालिका माता मंदिर, जिसको प्राचीन सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के शासक मोरी ने करवाया था। यानी कि इस दुर्ग में, इस दुर्ग से तात्पर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में कालिका माता मंदिर, जिसको प्राचीन सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण मौर्य वंश के शासक मोरी ने करवाया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, नंबर 3, कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने 720 देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, यानी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जहां पर कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया। उस स्थान को श्रृंगार चौरी के नाम से जाना जाता है।
यानी कि महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने सतबीस देवरी जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जहां पर कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया। उस स्थान को सिंगार चबरी के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत सतबीस देवरी का निर्माण करवाया, जिसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगवाई, और उसी स्थान पर कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया, इसलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है, श्रृंगार चबरी के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट इस दुर्ग में उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवेश लघु प्रवेश द्वार, क्योंकि ये मुख्य नहीं है, इस दुर्ग में उत्तर और दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार और खिड़कियां हैं, जिनमें से उत्तर दिशा की खिड़कियों को लाखोटा की वारी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस दुर्ग में उत्तर और दक्षिण दिशा में लघु प्रवेश द्वार और खिड़कियां हैं, जिनमें से उत्तर दिशा की खिड़कियों को लाखोटा की वारी, मुख्य बात आती है इसमें लाखोटा की वारी को, लाखोटा की वारी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये बात याद रखनी है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नामकरण किया था विजय पलचमलाउद्दीन ने, वो अपने पुत्र खिज्र खां के स्थान इस नाम पर खिज्राबाद रखा था, यानी कि चित्तौड़गढ़ को खिज्राबाद एक पुराना नाम दिया गया है। यानी प्राचीन नाम की जब हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो खिज्राबाद का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कालका मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसको प्राचीन सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उस प्राचीन मंदिर का निर्माण मौर्य वंश के शासक मौरी के द्वारा करवाया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात आती है वो यह है कि इसके अंतर्गत जो महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, जिनका नाम था बेलका, और कोषाध्यक्ष बेलका ने सतबीस देवी यानी कि चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियां सतबीस देवरी के नाम से स्थापित की थी, जैन मंदिर स्थापित किया था, जिनमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियों को स्थापित किया गया था, और जहां महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह किया था उस स्थान को नाम दिया गया था श्रृंगार चबरी के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है
कि जो इस दुर्ग में उत्तर और दक्षिण दिशा में जो लघु प्रवेश द्वार और खिड़कियां हैं, जिनसे उत्तर दिशा की खिड़कियों को लाकोटा की वारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता रहता है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ थे, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का ही वर्तमान में जो प्रतीक चिन्ह है वो यही है, विजय स्तंभ। और इसके अलावा जो जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अलावा इसकी जो स्थापना के बारे में जब हम बात करते हैं, इसके निर्माण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। और क्यों करवाया था? क्योंकि सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। उस विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा ने जीता था, और उस विजय उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, और निर्माण 1440 ईस्वी में करवाया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।